गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये है विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो इनको हम समझेंगे क्या होता है विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में इनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस तरह से इनको प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। तो देखो, जो जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है। ऐसे जब लिक्विड भी फ्लो करता है, ठीक है, खासकर जब हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे लेमिनार फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो में डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड फ्लो करता है, तो एक लेयर के रिलेटिव अगर दूसरे लेयर की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, फ्लूइड भी अपोज करता है। तो जो फ्लूइड में ये जो अपोजिंग फोर्स लगता है, फ्रिक्शन टाइप का फोर्स लगता है, इसको विस्कस फोर्स बोला जाता है और फिनोमिनन को विस्कोसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब विस्कस फोर्स जो है दो लेयर्स के बीच में कैसे डिफाइन किया जाता है कि मान लो ये सरफेस है, नीचे सरफेस से जेड हाइट पर या सॉरी एक्स हाइट पर एक लेयर है, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली वी, ठीक है। सरफेस से एक्स हाइट पर ये जो लेयर है, इस लेयर की जो वेलोसिटी है, ये लेयर की वेलोसिटी हमने मान ली वी के बराबर है, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी जो है ये हमने मान ली वी प्लस डी वी के बराबर है, ठीक है। तो ये वी है और ये वी प्लस डी वी के बराबर हो गई। अब ये रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, विस्कस फोर्स अपोज करेगा। तो ये जो विस्कस फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया, जो लेयर्स का एरिया कॉन्टेक्ट में है। फिर ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी वी बाय डी एक्स, मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक स्मॉल रीजन में, तो बेसिकली हम डी एक्स क्या मान रहे हैं, दो सक्सेसिव लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, तो उनके बीच का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी वी बाय डी एक्स, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है उसको ईटा से डिनोट कर देते हैं, ईटा ही क्या कहलाता है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, माइनस साइन यूज कर रहे हैं क्योंकि विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। तो अगर रिलेटिव मोशन जैसे नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है तो विस्कस फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड ईटा ए डी वी बाई डी एक्स होता है, और अगर हम डायरेक्शन के साथ बात करें तो नेगेटिव साइन शो करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज होगा यहाँ पर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो हम क्या मान सकते हैं, ये जो डी वी बाई डी एक्स है, दिस डी वी बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ले लेते हैं। इसमें भी हम क्या मानते हैं कि जो लेयर किसी सरफेस के कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो जो ग्राउंड के कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, और जो इधर ऊपर एक लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी। अगर इन दोनों के बीच की हाइट कुछ एच हो गई तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा वी माइनस जीरो अपॉन एच। तो डी वी बाई डी एक्स को हम डेल्टा वी बाई डी एक्स यानी कि वी बाय एच यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, जो लिक्विड की लेयर किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में है वहां पर ऑब्जेक्ट और लेयर की वेलोसिटी सेम होगी, और अगर कोई चीज नहीं दिया हमें कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है हाइट के साथ, तो हम स्टेडी फ्लो मान के चलते हैं। तो स्टेडी फ्लो में जो वेरिएशन है उसको लीनियर मान लेते हैं और डी वी बाई डी एक्स को डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, तो यूनिट्स क्या होती हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो हम देखें ईटा को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एरिया की एल स्क्वायर, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, डेल्टा जेड इज लेंथ, तो ये लेंथ आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है, और यहाँ से यूनिट देखेंगे तो क्या आ जाएगी, के जी पर मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। और अगर वैसे बात करें तो इसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, सीजीएस यूनिट भी इसकी इंपॉर्टेंट होती है। सीजीएस यूनिट जो होती है वैसे तो बात करें तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, लेकिन उसको पॉइस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पॉइस से डिनोट इसको किया जाता है, तो पॉइस से डिनोट किया जाता है, तो कई बार पॉइस में अगर वैल्यू दी है तो हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एसआई यूनिट में जो और पॉइस में क्या रिलेशन होता है, तो वन एसआई यूनिट इज इक्वल टू वन डेका पॉइस, डेका पॉइस मतलब 10 पॉइस के बराबर,
होता है, ठीक है। तो वन पॉइज इज 0.1 SI यूनिट, ये भी निकाल सकते हैं। न्यूटन में क्या होता है, 10^5 डाइन होते हैं, मीटर स्क्वायर में 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या है, पॉइज। तो 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 पॉइज, सो 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 SI यूनिट के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए, हम क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 2 मीटर ऑफ मास 20 केजी स्लाइड्स ऑन इंक्लाइन प्लेन ल्यूब्रिकेटेड विद ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 10^-1 पॉइज विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जी दे रखा है फाइंड आउट थिकनेस ऑफ दी लेयर। तो एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसको ऑयल से क्या किया हुआ है, लिब्रिकेट किया हुआ है। अब इसके ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पूछा है थिकनेस ऑफ लेयर क्या होगी। तो क्या होगी थिकनेस ऑफ लेयर, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने मान लिया कि भाई अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब एम जी साइन थीटा नीचे लगा, अब क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो विस्कस फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स इज ईटा ए डी वी बाय डी जेड, और डी वी बाई डी जेड को हम वी बाई एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी वी बाई डी जेड कैन बी रिटन एज वी बाई एच। अब एम कितना हो गया 20, जी कितना हो गया 10, साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू ईटा, ईटा की वैल्यू हमको निकालनी है, नहीं ईटा सॉरी दिया हुआ है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे अभी। एरिया कितना हो गया, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो एरिया, बेस एरिया कितना हो जाएगा 2^4 के बराबर। डेल्टा वी हो जाएगा 10, क्योंकि जो सरफेस के कांटेक्ट में लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो, और इधर ब्लॉक के कांटेक्ट में है उसकी ब्लॉक के बराबर होगी, तो 10 आ जाएगा। और एच जो है थिकनेस ऑफ लेयर आ जाएगी, मतलब थिकनेस ऑफ ये जो ऑयल की लेयर है उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये ईटा पॉइज में दे रखा है, तो एसआई यूनिट में देखोगे 10^-1 पॉइज था, 10^-2 हो जाएगा। इन सबको सब्स्टिट्यूट करके हाइट निकाल लेंगे विच इज 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि विस्कस फोर्स होता है ईटा ए डी वी बाई डी जेड, या ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड उसको लिख सकते हैं। उसके बाद ज्यादा जो और इंपॉर्टेंट होता है, जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो होता है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ये ज्यादा विस्कोसिटी में ज्यादा यूज होता है या ज्यादा पूछा जाता है। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है और वो कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रही है फ्लूइड में, तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, उस पे लगने वाला फोर्स होता है 6 pi eta rv, ठीक है। पहले जो अभी हमने देखा था वो था एक कैसी बॉडी, मतलब एक कोई भी बॉडी जिसका एक सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में और सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही। यहां पे अगर बॉडी पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर मूव कर रही, जैसे मान लो ये लिक्विड है और इसमें एक बॉडी ऐसे पूरा उसके अंदर मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, और किसके लिए एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला, स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो अगर एक स्फेरिकल बॉडी है आर रेडियस की, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है फ्लूइड में, तो उसमें विस्कस फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना लगेगा, 6 pi eta rv के बराबर। तो ये ध्यान रखना है, ये आपने सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इसी को स्टोक्स लॉ बोलते हैं कि स्फेरिकल बॉडी पे लगने वाला फोर्स 6 pi eta rv के बराबर होता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्लूइड में ऐसे भेजते हैं कुछ, ठीक है, मूव करती है वो, जैसे ग्रेविटी के अंडर अगर मोशन हो रहा है, तो जैसे मान लो ये फ्लूइड का कॉलम है, इसमें कोई बॉडी क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पे वेट इसका नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। अब ये नीचे कब जाएगी, अगर बॉडी की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो नीचे जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। अब विस्कस फोर्स कहां लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट यानी ऊपर की तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, इसी को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एक बॉडी को हमने विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप किया, तो वो पहले एक्सीलरेट करेगी, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कम होता जाएगा, इसलिए एक्सीलरेशन कम होते होते जीरो हो जाएगा और बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी, विच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का, तो मान लो ये बॉडी है, अब जब टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा,
तो बॉडी पे वेट नीचे लगेगा, वेट कितना हो गया उसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, रो जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी है, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, तो 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, ये तो हो गया वेट, बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हमने नीचे की तरफ लिख दिया कि वेट और बॉयंट फोर्स का रिजल्टेंट नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और वेलोसिटी नीचे है तो क्या हो गया, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग गया 6 πe·r₀। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जब आ जाती है उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो, तो हमने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, तो ये आ गया इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स, वेट और बॉयंट फोर्स का रिजल्टेंट, ये विस्कस फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है 2/9 r² ρ − σ g/η। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है कि टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 2/9 r² ρ − σ g/η, दिस इज दी टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको ध्यान रखना है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज्यादातर विस्कोसिटी पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो मतलब 90% चांसेस हैं कि इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखें हम कि स्फेरिकल बॉल इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी इनसाइड अ लिक्विड, डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस विद द रेडियस ऑफ बॉल। तो एक बॉल जो है टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब विस्कस फोर्स तो लग ही रहा है, विस्कस फोर्स जो है या रेजिस्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, एनर्जी लॉस करवाते हैं, तो पूछ रहे हैं रेट ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस होने की रेट मतलब पावर जो है वो रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाती है, इसको ध्यान रखें। तो रेट ऑफ हीट लॉस पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स किसके कारण हीट लॉस होगी, विस्कस फोर्स के कारण होगी, तो विस्कस फोर्स कितना है 6 πe·r₀, दिस इज द विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स हो गया 6 πe·r₀ के बराबर, ये विस्कस फोर्स हो गया इनटू वेलोसिटी। अब क्या होता है, हम कई बार मिस्टेक करते हैं, हम बोल देते हैं आर के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ हीट लॉस क्योंकि आर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, अब ये वी जो है कॉन्स्टेंट तो है लेकिन वी भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो v जो है वो क्या होती है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है टर्मिनल वेलोसिटी, तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 और एक आर यहां से, तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो आर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन दैट इज शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम खींच तान के क्या करेंगे, उसकी ओरिजिनल शेप और साइज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, तो जैसे ही हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की एक टेंडेंसी रखती है, ठीक है, और जो डिफॉर्मिंग फोर्सेज, जो हमने फोर्स लगाए डिफॉर्म करने के लिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के अंदर फोर्सेज जनरेट होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब जिसमें दो चीजें कॉमनली यूज होती हैं इलास्टिसिटी जब हम स्टडी करते हैं, एक स्ट्रेस एक स्ट्रेन, और फिर उनको रिलेट करने के लिए कोफिशियंट्स का यूज होता है जिनको हम कोफिशियंट्स ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। अरे एक सवाल पूछा है वर्चू, वर्चू का मतलब होता है गुण बेसिकली, कि बॉडी की एक गुण या प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके कारण वो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, तो एक्चुअली वर्चू का मीनिंग हम बात करें तो गुण होता है, कि आप में कोई गुण है तो हम बोलेंगे वो आपका एक वर्चू है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, तो एक्चुअली जब हमने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्सेज लगाए तो बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेज जनरेट होंगे, रिस्टोरिंग जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेंगे, those restoring force divided by area of the body, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है।
स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, होता है लॉन्जिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस। ये कब लगता है, जब फोर्स बॉडी की लेंथ को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। जैसे अगर फोर्स एंगल पे लग रहा है, जैसे फोर्स लग रहा है यहाँ पे थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है, दिस इज थीटा एंगल। तो जो नॉर्मल फोर्स है क्या हो गया, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब जो फोर्स लेंथ को बढ़ाने या कम करने की कोशिश करता है, वो फोर्स कैसे लगेगा, लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब या एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा। तो जैसे ये फोर्स क्या करेगा, ये जो एफ एन है, ये इसकी लेंथ को ऐसे हाइट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जो लेंथ को बढ़ाने या कम करने में फोर्स लगाते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आता है, उसको लॉन्जिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये हो जाता है फोर्स का नॉर्मल कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज एफ साइन थीटा बाय ए। फिर टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है जो बॉडी को टिल्ट करने की कोशिश करता है, जो सरफेस के पैरेलल लगता है। तो सरफेस के पैरेलल लगेगा तो ये बॉडी को क्या करेगा, थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा, टिल्ट कर देगा। तो टेंजेंशियल फोर्स जो होता है, जिसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, मतलब ठीक है ना, ये स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लॉन्जिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो एफ कॉस थीटा टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, एक और चीज होती है बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट चारों तरफ से फ्लूइड से घिरा हुआ होता है, तो फ्लूइड हर जगह से उस पर क्या करेगी, प्रेशर के कारण फोर्स लगाएगी। तो वही जो फोर्स पर यूनिट एरिया बॉडी के अंदर डेवलप होता है, उसको क्या होता है, बल्क स्ट्रेस। एक्चुअली वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा। तो वैसे तो देखो फोर्सेस इंटरनल लेने होते हैं हमको, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो इंटरनल फोर्सेस हैं वही एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर हो जाते हैं। तो मोस्टली कैलकुलेशन में हम एक्सटर्नल फोर्सेस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाएगा बॉडी के अंदर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड बल्क स्ट्रेस। तो बल्क स्ट्रेस को हम डायरेक्टली कई बार प्रेशर भी बोल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें कि ये एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, हाइट है 1 मीटर, सरफेस पे हमने 30 डिग्री पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा। तो लॉन्जिट्यूडिनल के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखेंगे, टेंजेंशियल के लिए टेंजेंट वाला कंपोनेंट देखेंगे। तो लॉन्जिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो 100 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा 100 साइन 30 डिग्री, और एरिया, एरिया इस सरफेस का ही देखना है जिस सरफेस पे फोर्स लगा, तो वो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ 5 into 2। तो ये सॉल्व करोगे तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस देखना है तो टेंजेंशियल फोर्स देखेंगे, तो 100 का टेंजेंशियल कंपोनेंट 100 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये आ जाएगा 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लॉन्जिट्यूडिनल और टेंजेंशियल स्ट्रेस देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो जैसे हम बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे बॉडी पे, तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या होंगे, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे। अब कब डेवलप होंगे, जब बॉडी की शेप में कुछ चेंज आएगा, चाहे वो चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल सा हो। तो वही जो उसकी कॉन्फिगरेशन में, स्टेट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, उसको ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। तो स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब देखो ये सेम चीज का रेशो होता है, जैसे अगर लेंथ है ऊपर तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो सेम चीज का रेशो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग तीन तरह के ही स्ट्रेन होते हैं। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के केस में क्या होता है, हम लेंथ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, फोर्स कैसे लगाते हैं, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो लेंथ को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो लेंथ ही चेंज होगी, तो उसके कारण जो स्ट्रेन आएगा वो किसको डिफाइन करता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। फिर वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन ये बल्क स्ट्रेस वाला है, कि जब प्रेशर वाला केस हमने देखा था, तो प्रेशर क्या कर रहा है, बॉडी को चारों तरफ से दबा रहा है, चारों तरफ से दबाएगा तो क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोल देते हैं या बल्क स्ट्रेन भी बोल देते हैं कई बार।
तो वॉल्यूम स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी बाय वी। और जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, ऐसे थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब जैसे ये वाली साइड थी वर्टिकल साइड, ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी अगर फोर्स सरफेस के पैरेलल लगाएंगे। तो मान लो ये जो साइड है एक्स आगे की तरफ बढ़ गई और इसकी हाइट है एल, मतलब एल इसकी हाइट थी और एक्स ये साइड आगे खिसक गई, तो शियर स्ट्रेन क्या होता है, एक्स बाय एल के बराबर होता है। या मान ली ये साइड जो थी फाई एंगल से रोटेट हो गई, तो इट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज टेन फाई। जनरली ये डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल होता है तो एंगल भी स्मॉल होगा, तो टेन फाई को हम फाई भी लिख देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, और फिर अब हम देखेंगे उनको रिलेट करने के लिए तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज होते हैं जिसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। हुक्स लॉ क्या होता है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा, सम कॉन्स्टेंट इंटू स्ट्रेन आ जाएगा, या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो उनको रिलेट करने के लिए तीन तरह के ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन से होते हैं। एक होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये यंग्स मॉड्यूलस होता है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल, तो यंग्स मॉड्यूलस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, यानी कि एफ एल बाय ए डेल्टा एल। फिर बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है ना, बल्क मॉड्यूलस इज बेसिकली बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस या बल्क स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर या चेंज इन प्रेशर भी हम बोल देते हैं, उसको डेल्टा पी भी बोलते हैं कई बार। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाय वी। अरे यहां पे माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन क्यों लगा देते हैं, एक्चुअली जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं ये सब कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। अब डेल्टा वी बाय वी, अगर देखो हमने डेल्टा ऊपर क्या आता है डेल्टा पी, तो इसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन लगा दिया जिससे बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव आ जाए। ऐसे अगर डेल्टा पी नेगेटिव होगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, और बल्क मॉड्यूलस के इनवर्स को क्या बोला जाता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, मतलब कंप्रेसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बल्क मॉड्यूलस उतना कम होगा। जैसे गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो उसका बल्क मॉड्यूलस सबसे कम होता है, फिर लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती है तो उसका बल्क मॉड्यूलस और ज्यादा होगा, सॉलिड्स का बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। तो इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन है वो क्या होता है, फाई एंगल के बराबर, या एक्स बाय एल, जो हमने देखा था कि अगर ऊपर वाली साइड एक्स खिसक गई और उसकी हाइट एल है, तो इस तरह से हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, और उनको रिलेट करने के लिए तीन तरह के ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होते हैं। ठीक है, फिर ऑल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम यूनिट्स। देखो सब क्या रेशियो है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, तो सबकी यूनिट सेम होंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, किसके बराबर होगा, स्ट्रेस के बराबर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती, और स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, तो वही आ जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये वाले क्वेश्चन कई बार डायमेंशनल एनालिसिस में भी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से किन किन की डायमेंशन सेम होगी, तो जो प्रेशर की डायमेंशन है वही स्ट्रेस की डायमेंशन होगी, चाहे कोई भी स्ट्रेस ले ले, और वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हो जाएगी, चाहे यंग्स मॉड्यूलस हो गया, चाहे बल्क मॉड्यूलस हो गया, चाहे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। ठीक है,
और कई बार उसको और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करने के लिए क्या कर देते हैं, जैसे हम एक और चीज शायद आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ये भी क्या होता है, प्रेशर ही होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो एक ये ऑप्शन भी दे सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता 2 से, तो हम फिर इसकी डायमेंशन निकालने लगते हैं। तो इसकी डायमेंशन निकालने लगते हैं और फिर टाइम वेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये प्रेशर होता है, तो इसकी डायमेंशन भी सेम होगी जो किसकी होती है, प्रेशर की या स्ट्रेस की या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी मॉड्यूलस हो। ऐसी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी डेंसिटी से क्या होती है, हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर बाय 2 μ0। ऑल दीज थिंग्स, एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज प्रेशर डायमेंशनली। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है, कई बार डायमेंशनल एनालिसिस में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और हम टाइम वेस्ट करते हैं उसको फिर एक एक ऑप्शन को चेक करने में। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अ रबर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज वन साइड फिक्स्ड व्हाइल अ टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू 1800 न्यूटन इज अप्लाइड टू अपोजिट फेस। फाइंड द शियरिंग स्ट्रेन एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेन फेस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर रबर इज गिवन। तो देखो क्या दे रखा है हमको, कि एक रबर क्यूब है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। क्यूब का मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। एक साइड हमने नीचे फिक्स कर दी, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया 1800 न्यूटन का, ठीक है। अब उसके ऊपर वाले फेस पे एरिया कितना आ जाएगा, तो साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो लेंथ है 5 × 10^-2, ठीक है, तो इससे एरिया निकाल लेंगे। अब फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस किसके बराबर हो गया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है फिर वो क्या आ गया, एफ बाय ए ईटा। एफ कितना लगाया 1800, एरिया कितना हो गया साइड का स्क्वायर, और ईटा दे रखा है हमको यहाँ पे, ईटा इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, थीटा निकाल लिया या स्ट्रेन निकाल लिया कि इतना स्ट्रेन आया। तो स्ट्रेन क्या हो गया, एक्स बाय एल, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट होगी अपर साइड, तो कंपेयर टू दिस वर्टिकल साइड, ये कितना शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ, तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस, कि स्ट्रेन स्ट्रेस के साथ कैसे वेरी करता है। तो देखो ये ग्राफ होता है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम ग्राफ बनाएंगे, तो क्या होता है, पहले तो ये ग्राफ लीनियर जैसा आता है। लीनियर मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद लीनियरली जो लीनियर फंक्शन है थोड़ा सा चेंज होता है, कर्व होने लगता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इलास्टिसिटी बॉडी की बनी हुई रहती है। तो बी वाला पॉइंट इलास्टिक लिमिट कहलाता है, मतलब यहां तक अगर हम बॉडी को खींचेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। बी के आगे क्या हो जाता है, प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाती है। जैसे ओ से ए क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। फिर लेकिन इधर तक तो इलास्टिसिटी पूरी बनी होती है, इसके आगे भी अगर हम बढ़ेंगे तो बी तक क्या होती है, इलास्टिक लिमिट, यानी कि अगर बी तक भी खींच लेंगे, मतलब इतना हम बॉडी को खींच लेंगे, इतनी चेंज कर देंगे लेंथ में। स्ट्रेन क्या बता रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी हमने इतना खींच के भी छोड़ दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। इसके आगे प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाती है बी के आगे, यानी बी के आगे हमने थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया जैसे सी वाले पॉइंट पे, तो बॉडी में कुछ ना कुछ क्या रह जाएगा, डिफॉर्मेशन रह जाएगा। इस डिफॉर्मेशन को परमानेंट सेट भी बोला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट, ठीक है, कि बॉडी परमानेंट सेट हो जाएगी, कुछ मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंट रह जाएगा, ठीक है। अब सी वाले पॉइंट को एक यील्ड पॉइंट बोला जाता है, मतलब यील्ड पॉइंट मतलब यह होता है, यहां पे हमने देखो स्ट्रेस नहीं बढ़ाया लेकिन फिर भी स्ट्रेन जो है बढ़ रहा है, मतलब चेंज इन लेंथ बढ़ रही है, यानी कि एक लिमिट के बाद वायर को जब हम खींचेंगे तो वो एक फ्लूइड की तरफ फ्लो करने लगेगी, एक लिमिट के आगे, मतलब हमने बिना ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाए वो अपने आप क्या करने लगेगी, खिंचने लगेगी एक, ठीक है, विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगती है। ये पॉइंट यील्ड पॉइंट कहलाता है। आगे प्लास्टिक बिहेवियर है, फिर एक पॉइंट जहां पे वो फ्रैक्चर हो जाता है वो अल्टीमेट पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। अब ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है जितना दूर होगा बी वाले पॉइंट से उतना उसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से खींच सकते हैं, तो वो मटेरियल जितना अच्छे से खींच पाएगा उतना ही वो मैलिएबल होगा या डक्टाइल होगा, मतलब उसको पतली पतली शीट्स या वायर्स में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और डी वाला पॉइंट अगर नजदीक होगा बी वाले पॉइंट के तो मटेरियल ब्रिटल होगा, यानी कि आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है ग्राफ, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व इस तरह का होता है, पहले ओ से प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, बी तक इलास्टिक लिमिट यानी बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेगी, बी के बाद क्या होगा प्लास्टिक लिमिट यानी उसके बाद छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वायर बिना एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाए आसानी से खिंचने लगेगी, और जितना ज़्यादा ये एक पॉइंट पे टूट भी जाएगी, ये फ्रैक्चर पॉइंट जितना दूर होगा उतना वायर को पतली पतली शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होता है, खासकर जो मेटल्स होते हैं उनके लिए ये फ्रैक्चर पॉइंट दूर होता है, और जो अगर ये डी वाला पॉइंट नज़दीक होगा तो वो मटेरियल्स क्या होते हैं ब्रिटल, जैसे सोना चांदी वगैरह देखोगे उसको बहुत पतले पतले तार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर होगा, मतलब उनको बहुत ही हम फाइन वायर्स में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। अब देखो स्प्रिंग के बारे में हम थोड़ी चीज़ें जानते हैं, जैसे हमने स्प्रिंग पढ़ा कि एक स्प्रिंग जो होता है स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है kx, स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है हाफ kx स्क्वायर, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करता है SHM करता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी आपको पता भी होंगी। तो हम एक रॉड को भी स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं और स्प्रिंग से कंपेयर करके हम कई सारे रिजल्ट्स स्प्रिंग वाले यूज कर सकते हैं और मेहनत से बच सकते हैं। तो रॉड जो फोर्स लगाएगी वो क्या हो जाएगा, तो रॉड का फोर्स हो जाएगा YA/L(Δ L, ये रॉड का फोर्स हो जाएगा, ये रॉड का यंग्स मॉड्यूलस है, वाई एरिया है, लेंथ है एल, तो रॉड का फोर्स क्या होता है YA/L(Δ L, ठीक है। अब स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग का फोर्स होता है kx, x को हम Δ L ही बोल सकते हैं, k Δ L, Δ L इज चेंज इन लेंथ। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं दोनों को तो जो के है वो किसके बराबर आ गया, YA/L के बराबर आ गया, यानी कि हम एक रॉड को स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं जिसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है YA/L। इसका क्या मतलब है कि जैसे सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक ऐसा दे दिया एक रॉड से एक एम मास का पार्टिकल लटका हुआ है, रॉड का एरिया है ए, यंग्स मॉड्यूलस है YL, अब बोलेगी बॉडी जो ब्लॉक है ये SHM कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का क्या होता है 2π√m/k, तो k की जगह यहाँ पे रॉड का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट लिख दो जो क्या होता है YA/L, तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। एनर्जी स्टोर पूछ ली कि किसी x एक्सटेंशन के लिए एनर्जी क्या होती है हाफ kx2, तो एक रॉड में क्या एनर्जी स्टोर होगी, तो हम k की जगह क्या रख देंगे YA/L और x की जगह Δ L का स्क्वायर। तो ऐसे कई जगह पर ये एनालॉजी हमें बहुत हेल्प करती है कि एक रॉड जो है इलास्टिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रॉड कैन बी एज्यूम्ड एज अ स्प्रिंग एंड इट्स इफेक्टिव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैन बी रिटन एज YA/L, और फिर रॉड और स्प्रिंग को हम एक जैसा मानते हुए चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर और इन अ रॉड। तो अगर एक वायर या रॉड है, जैसे अभी हमने देखा कि एक रॉड या वायर अगर खींची हुई है तो वो एक स्प्रिंग के जैसे वर्क कर रही, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो वैसे ही हमने डिराइव किया यहाँ पे कि स्प्रिंग में कितनी होती है हाफ kx2, ठीक है। तो k क्या हो गया YA/L और x किसके बराबर हो गया FL/AY, ये कहाँ से आया, वही फोर्स किसके बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y क्या होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो गया फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या हो गया x/L, x क्या मान रहे हैं Δ L को हम x बोल रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई FL/AY, k की वैल्यू याद है सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर, तो ये आ गया हाफ F2L/A। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद बस ये रखना है हाफ kx2, इसको हम यूज कर सकते हैं, k जो है YA/L के बराबर होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, हमने F/A एक साथ लिख दिया, एक F बचा F/AY, एक A हमने एक्स्ट्रा लिया तो A के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया AL आ गया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन AY क्या होता है स्ट्रेन, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, तो इस फॉर्म में इसको याद रखना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस कैन बी रिटन एज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के बराबर लिख सकते हैं। और अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यहाँ से भी देख सकते हो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशंस देखोगे, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेस की प्रेशर जैसी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे इट्स डायमेंशन इज सेम एज प्रेशर, तो कहीं पर भी एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी डायमेंशनली प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन जो है ये क्या होता है? तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिहेवियर बल्क के मॉलिक्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी लिक्विड में। जैसे हम एक ब्लेड की बात करें, जो शेविंग ब्लेड्स वगैरह आते हैं, जो नाई वगैरह यूज़ करते हैं मेनली वो वाले, तो उसको अगर हम पानी में डाल के छोड़ देंगे तो वो डूब जाएगा, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। लेकिन अगर उसको सरफेस पे रख देंगे तो वो क्या करने लगेगी? फ्लोट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस पे लिक्विड का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल खींच रहे होते हैं, बाहर गैस के मॉलिक्यूल, तो वो एक क्या करते हैं, खिंचाव सा महसूस करते हैं, जिसके कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो द टेंशन जनरेटेड इन दिस सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस पे टेंशन जनरेट होती है उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है, और सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड एक किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, वो कैसी शेप ले लेता है? स्फेरिकल शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है स्फेरिकल शेप? बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। और आगे हम देखेंगे एक्चुअली सरफेस एरिया जितना कम होगा उतनी कम एनर्जी होगी उसके पास, और कोई भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो लिक्विड सरफेस भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और स्फीयर का एरिया मिनिमम होता है इसलिए वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? कि जैसे सरफेस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी एल लेंथ की, उसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहे होंगे, तो हम किसी भी तरफ एक तरफ से लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ देख लें, इसी को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन बोला जाता है। अब देखो, कहने को ये टेंशन बोल रहे हैं, वैसे हम टेंशन किसको मानते हैं? फोर्स को। लेकिन सरफेस टेंशन इज इफेक्टिवली नॉट फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनिट डायमेंशन में सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो हम क्या करते हैं, सरफेस पे कोई भी एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और उस इमेजिनरी लाइन पे दोनों तरफ से देखो इक्विलिब्रियम पे बराबर बराबर फोर्स लगेंगे। जैसे हमने मान लो ये सरफेस है, हम टॉप व्यू देखें तो ये सरफेस है, इस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, इक्विलिब्रियम पे दोनों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगेंगे, तो एनी वन ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। ऐसे इफ वी एड हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंसेज लाइक NaCl, ZnSO4, मतलब सॉल्ट अगर हम ऐड करते हैं तो वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो जैसे क्या होता है, वो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देते हैं चीजों का, और अगर हम पार्शियली सॉल्यूबल सब्सटेंसेज ऐड करते हैं लाइक सोप, फिनॉल, तो वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, और इसीलिए उनको साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने या धुलाई के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे गर्म पानी भी हम बोलते हैं कि किसी चीज को साफ करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू कोल्ड वाटर, और ऐसी साबुन वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, गर्म पानी भी क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। साबुन वगैरह भी क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है या पानी है उसकी खुद की बॉन्ड्स क्या होंगे, थोड़े वीक हो जाते हैं, और डर्ट पे पकड़ थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। ठीक है, अगर वो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो वो आपस में ज्यादा चिपके हुए रहेंगे, गंदगी से नहीं चिपकेंगे, उसको नहीं खींच पाएंगे। तो इसलिए गर्म पानी साफ सफाई के लिए अच्छा होता है, डिटर्जेंट अच्छे होते हैं कि उसके ऐड करने से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के कारण वो एक अच्छी पकड़ बना पाते हैं गंदगी पर, और उसको आसानी से धुलने में निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो एक मिस्टेक हम करते हैं कि जैसे सरफेस टेंशन तो क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हमें फोर्स लिखना है तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स जो हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेकिन इसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट होती है, कितने सरफेस हैं। सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस मतलब जहां भी
लिक्विड और गैस कांटेक्ट में है उसको हम सरफेस बोलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक इसके ऊपर ये फ्रेम है, इसके ऊपर हमने एक सोप की फिल्म बना दी। अब सोप की फिल्म बना दी और इससे एक हमने वायर लटका रखा है, तो हाउ मच वेट, यहाँ पे हम कितना वेट सस्पेंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन टी इंटू ये लेंथ एक्स इज इक्वल टू वेट के बराबर कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख देना है, जैसे मान लो ये जो मेरा हाथ है, अगर इसको मैं मान लूँ ये एक फिल्म है, तो फिल्म में क्या होगा, इधर वाली जो साइड है ये भी गैस के कॉन्टेक्ट में है, इधर वाली साइड है ये भी गैस के कॉन्टेक्ट में है, एयर के कॉन्टेक्ट में। तो कितने सरफेस हो जाएंगे, यहाँ पे दो सरफेस हो जाएंगे, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। तो जब भी हमें सरफेस टेंशन का फोर्स लिखना है तो हमें सरफेसेस को भी ध्यान में देना है, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर। तो दो सरफेस हैं तो दो सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स लगेगा। तो यहां से एक तो ये फोर्स लग गया हमारे पास, ठीक है, एक पीछे जो इसके पिछली साइड सरफेस होगा वो भी फोर्स लगेगा। तो कितना हो गया टी एक्स और टी एक्स, तो टोटल कितना फोर्स हो गया, टू टी एक्स ये फोर्स हो गया, ठीक है। तो एम जी तो वेट हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एक आगे से एक्स लेंथ और एक पीछे से एक्स लेंथ। तो नेट फोर्स सरफेस टेंशन का क्या हो गया, टी इंटू टू एक्स। ये मिस्टेक हो जाती है कई बार कि हम टी एक्स ले लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस ऑफ सरफेस टेंशन, वी हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर द नंबर ऑफ सर्फेसिस, कितने सर्फेसिस हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां से जो मास निकालेंगे वह रहेगा टू टी एक्स बाय जी। तो कहीं पर भी आगे मतलब फोर्स में भी सर्फेस का ध्यान रखना है, आगे अभी हम एनर्जी डिस्कस करेंगे उसमें भी नंबर ऑफ सर्फेसिस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर्फेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास, उसको क्या बोला जाता है, सरफेस एनर्जी बोला जाता है। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या हो गई, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। देखो इफेक्टिवली सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी डेंसिटी आर सेम, मतलब जो सरफेस टेंशन है वही सरफेस एनर्जी डेंसिटी होती है न्यूमेरिकली। तो इफेक्टिवली अगर हमें फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द फोर्स, और अगर सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी डेंसिटी, यहां सरफेस एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी डेंसिटी और सरफेस टेंशन सेम चीज होती है, अगर हमें फोर्स निकालना है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन करिए, भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इसमें थाउजेंड स्मॉल ड्रॉप्स है, उसकी संख्या चेंज कर सकते हैं, एन के टर्म्स में निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो थाउजेंड स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप, इन दिस प्रोसेस फाइंड डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो हजार पानी की बूंदे सबका रेडियस स्मॉलर है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो क्या करोगे। तो देखो पहली बात तो जो एक बिग ड्रॉप बनेगी उसका रेडियस कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से, कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है, कंजर्व। अगर हम एक बड़ी ड्रॉप को छोटी में डिवाइड करें, छोटी मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाए, तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो जो वॉल्यूम है हजार ड्रॉप्स का वो एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो एक छोटी ड्रॉप का, एक ड्रॉप का कितना वॉल्यूम है, 4/3 πr³, r स्मॉल ड्रॉप का रेडियस मान लिया हमने, लेकिन ऐसी हजार ड्रॉप्स है तो इंटू थाउजेंड कर दिया, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप का कितना हो गया, 4/3 πR³। यहां से कैपिटल आर आ गया 10 R के बराबर। अब जो लॉस इन सरफेस एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, तो लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप का एरिया है 4πr² और अगर 1000 ड्रॉप्स हैं तो इनटू 1000, तो ये इनिशियल एरिया हो गया। बाद में एक बड़ी ड्रॉप बन गई तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4π R² तो कैपिटल आर किसके बराबर है, 10 R के बराबर। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉस इन सरफेस एनर्जी आ जाएगी, तो इतनी एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में, कि क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट
कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको कोहेसिव फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है, तो सेम टाइप, जैसे पानी और पानी के बीच में जो लगेगा वो कोहेसिव फोर्स हो गया, दूध और दूध के बीच में जो लगेगा, शहद और शहद के बीच में जो लगेगा, ऐसी सॉलिड्स में भी एक टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं दे आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे गम फेविकोल वगैरह होते हैं इनको एडहेसिव्स बोला जाता है। तो एडहेसिव्स मतलब ये दो अलग अलग तरह की चीजों को यू मतलब जोड़ने के काम आता है। तो एडहेसिव जो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोहेसिव फोर्सेस कहलाते हैं। अब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है कि जहां पर भी लिक्विड का सरफेस और सॉलिड का सरफेस कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, लिक्विड का सरफेस और सॉलिड का सरफेस कॉन्टेक्ट में है, उस पॉइंट पे हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। किस पे, लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें। तो उस टेंजेंट और सॉलिड के सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा कहां बनेगा, इनसाइड द लिक्विड जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सॉलिड का सरफेस, सॉलिड तो फिक्स है, लिक्विड ने कुछ शेप ले ली, मान लो कर्व शेप ले ली, तो लिक्विड जहां पे कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे लिक्विड के सरफेस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब देखो टेंजेंट और सरफेस के बीच में दो एंगल बन सकते हैं, एक नीचे भी बन सकता है, एक ऊपर भी बन सकता है। हमें कौन सा एंगल लेना है, छोटा एंगल ही लेना है, ध्यान रखना है एंगल जो लिक्विड में बन रहा है। जैसे आप यहां पे देखें तो ये एंगल हो गया, यहां पे देखें अगर सरफेस ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, उसकी जो कॉन्वेक्स साइड है वो ऊपर की तरफ हो गई, तो टेंजेंट ऐसे ऊपर की तरफ आएगी। तो वैसे नहीं कि हमने छोटा एंगल ले लेंगे ऊपर वाला, नहीं, कौन सा एंगल लेना है जो लिक्विड के अंदर बनता है। तो सॉलिड के सरफेस और लिक्विड के सरफेस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, उनके बीच का जो एंगल लिक्विड के अंदर बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। और जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उसको मेनिस्कस भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा होता है, एक्यूट, तो लिक्विड क्या करता है, जो सॉलिड है उसको वेट करता है, गीला करता है। मतलब जैसे पानी और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होता है, तो पानी को अगर ग्लास पे रख के हटा भी दोगे तो कुछ पानी की बूंदें चिपकी हुई रह जाएंगी, मतलब उसको गीला करती हैं, उसको वेट करती हैं, उसे चिपक जाती हैं। अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूस होता है तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करता है। जैसे मर्करी और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूस हो गया, तो मर्करी ग्लास को वेट नहीं करेगी, मर्करी पूरी आ जाएगी, ग्लास वैसा का वैसा रह जाएगा अगर हम मर्करी को ग्लास से हटाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। एक्यूट अगर होगा तो वहां पे लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, गीला करेगा, चिपका हुआ रह जाएगा। ऑब्ट्यूस होगा तो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा, आराम से वहां से छिटक जाएगा, निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा मर्करी था। कभी मर्करी अगर तुमने देखा हो, उसको हाथ पे लोगे, हटाओगे तो पता भी नहीं चलेगा मर्करी था, लेकिन पानी डालोगे तो पता चल जाएगा, गीला गीला रहेगा उसके बाद भी, हटाने के बाद भी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा एक चीज ये कि अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो भी वो गीला नहीं करेगा, 90 डिग्री होगा तो भी वो छिटक जाएगा हाथ से। ठीक है, उस केस में सरफेस कैसी शेप ले लेता है, हॉरिजॉन्टल शेप ले लेगा। अगर एक्यूट एंगल होगा तो मिनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड होगा, ऑप्ट्यूज होगा तो मिनिस्कस कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, और 90 डिग्री होगा तो मिनिस्कस प्लेन ऐसा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेस प्रेशर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, ड्रॉप का रेडियस है आर, तो क्या होता है किसी भी ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, मान लो अंदर का प्रेशर पी है, बाहर का पी नॉट है, कितना ज्यादा होता है उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। मान लो इसकी सरफेस टेंशन है टी, तो जो पी माइनस पी नॉट है दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, ये किसके बराबर आता है, टू टी बाय आर। अभी बस याद रखना है इसको, यही काम आएगा। ठीक है, और अगर ड्रॉप बबल है तो बबल में भी अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा पी, बाहर का पी नॉट है, बबल का रेडियस है अगर आर, सरफेस टेंशन है टी, तो यहां पे P माइनस P नॉट किसके बराबर आएगा, यहां आ जाता है 4T बाय R। 4 क्यों आया, एक्चुअली यहां पे दो सरफेस है, यहां पे एक सिंगल सरफेस है ये वाला, यहां पे क्या होगा एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, तो टोटल कितने सरफेस हो गए, डबल सरफेस हो गए। तो सिंगल सरफेस के कारण
जो प्रेशर का चेंज आ रहा है 2T/R का आ रहा है, डबल सरफेस के कारण 4T/R का आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक और केस बन जाता है कई बार कि अगर बबल पानी के अंदर है, बबल मतलब पानी का एक बुलबुला बन गया, तो इसमें भी एक ही सरफेस होगा, क्यों? अंदर एयर है बाहर वाटर है, तो लेकिन प्रेशर हमेशा अंदर ज्यादा होता है, अंदर का पी है बाहर का पी नॉट मान ले, रेडियस इसका अगर आर है, सरफेस टेंशन टी है, तो यहाँ पे पी माइनस पी नॉट, अब एक ही सरफेस है, तो एक सरफेस के कारण किसका फैक्टर आता है 2T/R का। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसा कोई सरफेस है तो कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, चाहे पानी ऊपर हो नीचे हो, लिक्विड ऊपर नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज कॉनकेव साइड हैज अ प्रेशर मोर देन द कॉन्वेक्स साइड, ठीक है? तो अगर इसका रेडियस आर है, सरफेस टेंशन टी है, तो ऑलवेज कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एक सरफेस है तो 2T/R, दो है तो 4T/R, ठीक है? तो ऑलवेज कॉनकेव साइड हैज हाइयर प्रेशर, तो हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर हाइयर होगा। कितना हाइयर होगा? एक सरफेस के लिए 2T/R का फैक्टर आएगा, दो के लिए 4T/R का फैक्टर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कैपिलरी एक्शन का, कि कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक पतली सी ट्यूब होती है, फाइन बोर सा, जैसे अपनी पेन की रिफिल होती है वैसे टाइप, मान लो कि उतना पतला उसमें छेद होता है, थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एक फाइन बोर, बोर मतलब एक फाइन जो है इसे छेद जैसा होता है, बोर मतलब बोरिंग जैसे, बोरिंग का मतलब क्या होता है कि अपन ने बोरिंग की खुदाई करते हैं उसको बोरिंग बोलते हैं, जैसे एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें एक पतला सा ऐसे छेद रहता है अंदर तक, उसको क्या बोला जाता है? कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। अब उस कैपिलरी ट्यूब को जब हम लिक्विड में इमर्स करते हैं, तो उसमें कैपिलरी ट्यूब में क्या करता है, लिक्विड या तो राइज करेगा या फॉल करेगा, तो जो राइज और फॉल होता है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में, इसी को कैपिलरी एक्शन बोला जाता है, कैपिलैरिटी बोला जाता है। अब जिन लिक्विड्स का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होता है वो तो क्या करते हैं, राइज करते हैं, जैसे वाटर क्या करेगा, कैपिलरी ट्यूब जनरली ग्लास की होती है, ग्लास में राइज करेगा। जिन लिक्विड्स का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑप्ट्यूस होता है वो क्या करते हैं, फॉल करते हैं, जैसे मर्करी के लिए ऑप्ट्यूस होता है, तो मर्करी क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। अब कितना राइज या फॉल करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, उसका जो एक्सप्रेशन है और क्या होता है और हो क्यों रहा है। देखो, अब जैसे वाटर है उसने क्या बना लिया, ऐसे मेनिस्कस बना लिया, ऐसे कॉनकेव अपवर्ड। अब हमने क्या बोला, हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाहर का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी पी एटमॉस्फेयर है, लेकिन अंदर का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर से कम हो गया, क्यों? कॉन्वेक्स साइड है। कितना कम हो गया? पी एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R। अब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, वो इस लिक्विड को ऊपर राइज कराएगा, तो ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है, और इस तरह से राइज करता है कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर हो जाए, तो फाइनली यहाँ का प्रेशर भी पी एटीएम हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर पी नॉट, यहां से नीचे गए कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम हो जाएगा, कितना, पी नॉट माइनस 2T/R, और फिर प्लस एच नीचे गए तो प्लस रो जी एच, और ये पी नॉट के बराबर होगा, तो ये हमने जब इक्वेट किया पी नॉट से, पी नॉट कट गया, तो एच इज इक्वल टू ये आ गया 2T/ρgr। अच्छा, ये आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब ये जो सरफेस का कर्वेचर है इसका रेडियस। अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, आर सेक थीटा, कैपिटल आर इंटू सेक थीटा। तो जो हाइट आती है कैपिलरी राइज की आ जाती है 2T cos θ/ρgr। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है कि हाइट जो है इसके बराबर आती है, ठीक है? इसको फाइंड करने का एक और तरीका होता है, वो भी ध्यान रखने, कई बार कोई नया प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे वो ज्यादा काम आता है। तो एक्चुअली ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये ऐसे एक सर्कुलर टाइप का रीजन है, यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, लिक्विड वेसल को अपनी तरफ खींचेगी, वेसल लिक्विड को खींचेगी, एक स्मॉल लेंथ अगर यहाँ पे एल मान ले तो टी इंटू डी एल ये फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है, टी इंटू डी एल, और ये एंगल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बराबर हो जाएगा, तो जो ऊपर की तरफ इस फोर्स का कॉम्पोनेंट आएगा ये आएगा टी डी एल कॉस थीटा। तो टी डी एल कॉस थीटा का ये जो नेट फोर्स है यही क्या करेगा, जितना लिक्विड इसमें राइज किया है एच हाइट तक इसके वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू वेट। अच्छा, टी सरफेस टेंशन तो कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा भी कॉन्स्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन ये क्या दे देगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दैट इज 2π इनटू आर, आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब।
वेट क्या हो जाएगा? तो वेट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिलरी ट्यूब का एरिया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, जितनी हाइट तक लिक्विड राइज किया। ठीक है, वेट किसका लेना है? जितना लिक्विड कैपिलरी में राइज किया, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, कुछ कटेगा तो काट दो, एक आर से आर कट गया, पाई से एक पाई कट गया, तो एच इज इक्वल टू 2t cos θ/ρgr। तो ये हाइट होती है कि इतनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में। अच्छा, इसमें देख भी सकते हैं कि अगर थीटा एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि हाइट पॉजिटिव आएगी, लिक्विड राइज कर जाएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, हाइट नेगेटिव आ जाएगी, मतलब लिक्विड फॉल करेगा। अरे, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जो अगर इनसफिशियंट ट्यूब की, इनसफिशियंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब होगी, मतलब मान लो इतनी हाइट तक लिक्विड राइज कर सकता है, और सपोज कैपिलरी ट्यूब ही हमारी इतनी हाइट की है, ठीक है ना, लिक्विड तो यहां तक राइज कर सकता है लेकिन कैपिलरी ट्यूब की हाइट ही कम है, तो हमको लगता है कई बार लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता, एक्चुअली जो फ्री सरफेस है इसका रेडियस अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और ये रेडियस अपने आप को क्या कर लेता है, और फ्लैट कर लेगा, तो फ्लैट करके रेडियस एडजस्ट कर देता है, तो लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो। ठीक है, इवन इफ द हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज नॉट सफिशियंट, देन ऑल्सो लिक्विड कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा। सरफेस जैसे ऐसे था वो क्या होता जाएगा, थोड़ा फ्लैट होता जाएगा और बैलेंस कर देगा जो कंडीशंस है उसको। बेसिकली मतलब यहाँ जो कंडीशन आई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली, तो यहां से अगर हम देखें तो हाइट इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, 2t/ρg, विच इज कॉन्स्टेंट। तो अगर हाइट कैपिलरी ट्यूब की सफिशियंट नहीं है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट कम है तो रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ के इस फैक्टर को कांस्टेंट ही रखेगा। तो अगर इनसफिशियंट ट्यूब की भी कैपिलरी, मतलब इनसफिशियंट लेंथ की भी कैपिलरी ट्यूब होती है तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए सरफेस टेंशन रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया।